वो हमारे संगत में खराबी हुआ, संगत हमारा बचपन से खराब था, इसीलिए उसे देखा देखी से हम ऐसे करने करते करते सीख गया, हमको अच्छा भी लगा। क्या क्या करते थे? हस्त मैथुन। हस्त मैथुन करते थे, कितनी बार दिन में? पहले तो हम सुबह से लेकर के फिर कल मॉर्निंग तक 5-6 बार 8 बार डेली। गलत संगत आपको कहां ले जाएगी आज आपको पता लग जाएगा। और ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप भी ध्यान रखो अपने बच्चे पे, कहीं गलत संगति में तो नहीं है। दोस्तों आजकल नए नए बच्चे हस्त मैथुन की लत लगा रहे हैं गंदी गंदी वीडियोस देखकर। और गंदी वीडियोस ऐसे नहीं कि किसी मतलब जो है गंदी साइट पर ही जाकर देखते हैं, आप जो है सोशल मीडिया पर भी जो ये गंदे गंदे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं इनको देखते रहते हैं, गंदी गंदी वीडियोस डालते रहते हैं। इनको देख देख कर हस्त मैथुन की वो आदत पड़ चुकी है नए बच्चों को कि अब कहानी खराब होती नजर आ रही है नई जनरेशन की। ऐसा ही एक किस्सा हमारे भैया लेके आए, देखो क्या कर रखा है शरीर का हाल। कुछ नहीं है शरीर में, 6 फुट भैया की हाइट है। 6 फुट हाइट है भैया? 6 फुट है। 6 फुट हाइट है। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव नाम है, कहां से हो जी? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। और वीडियो देखी थी आपने वो वाली, उसी को देखकर आए हो? वीडियो में आपका सारी देखता हूँ। सारी देखते हो? सारी जी। वो हस्त मैथुन वाली वीडियो देखी थी? सभी देखी थी। अच्छा कहाँ देखी? YouTube, इंस्टा, फेसबुक? YouTube पे। YouTube पे भैया ने देखी। इंस्टा पे भी देखते हो? जी इंस्टा पे भी देखते हैं। तो भैया की कहानी सुनो जरा, भैया क्या कहानी है आपकी, क्या गंदी लत लग गई थी आपको और क्यों लग गई थी और कितने साल वो लत रही आपको और फिर क्या हुआ उससे, सारी चीज़ें बताइए। वो हमारे संगत में खराबी हुआ, संगत हमारा बचपन से खराब था, ठीक है, इसीलिए उसे देखा देखी से हम ऐसे करने करते करते सीख गया, हमको अच्छा भी लगा। क्या क्या करते थे? हस्त मैथुन करते थे, कितनी बार दिन में? पहले तो हम सुबह से लेकर के फिर कल मॉर्निंग तक 5-6 बार 8 बार डेली 5-6 बार, ठीक है, सुबह से लेकर के कल सुबह तक, नाइट में भी डे में भी। कोई नहीं है, कोई नहीं था तो इसके लिए अपना। और आपको इस चीज़ की समझ भी नहीं थी कि ये आगे चल के कितना नुकसान करेगी? नहीं। कितना टाइम किया आपने, मतलब कितने साल? मतलब कि मैं 8 साल से था तो उसी के अंदाज से समझ लो। 8 साल की उम्र से, और अभी कितनी उम्र है? अभी 18 है। मतलब 10 साल से? 10 साल। तो सुन लो यहाँ पर, क्योंकि बचपन से हम करते आ रहे हैं। बचपन से करते आ रहे हैं, 19 की उम्र हो चुकी है भैया की। क्या समस्या हुई जी उससे? धात की प्रॉब्लम हमें हो गया जी भैया, बता रहे हैं। पेशाब पेशाब करने से पीला पीला होता है, चिपचिपा पानी आता है जी, और उसके लिए मैं दवाई भी कहीं से लिया जी। तो कुछ दिन सही रहा, बोला पानी ज़्यादा करके पियो तो पेशाब ठीक आता था जी, तो पीला पीला आता है पेशाब। और भाई और मतलब जो है कितने रुपए की दवाई खा चुके हो आप? 13,000 का एक जगह लिया था, 13,200 का। 13,200 की दवाई खा चुके हैं, अब भैया आए हैं सप्लीमेंट्स मिला। ये जो आपका शरीर इतना दुबला पतला है, कहीं कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि वो हस्त मैथुन इसका कारण है? उसी कारण है, क्योंकि हम बचपन से ही करते हैं। जब हम देखे अकेले हुआ तो मैं मतलब किसी से, मतलब भाई साहब भी हम पे शक कर रहे हैं। देख लो यहाँ पर अब जो है सब शक कर रहे हैं। भाई भी आया है कुछ दिन पहले तो बोला कि तुम्हारा शरीर क्यों नहीं बन रहा है। आदमी को दो कारण से शरीर नहीं बनता है जी, एक टेंशन से और एक गलत काम से। सुन लो यहाँ पर, खुला खुली नहीं बोला जी, लेकिन हम समझ गए, सारा भाई बोला, तीनों भाई हमें समझता है। सुन लो यहाँ पर, हम चाह करके भी नहीं छोड़ पाते हैं, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं, गंदी लत लग गई। भैया सबसे पहले तो यार आप मुझे एक वादा करो कि आप अब ये काम नहीं करेंगे। आपसे वादा करता हूँ ये काम नहीं करूँगा। पक्का वादा है भाई? पक्का भाई। तो भाई ने मुझसे वादा कर दिया है कि अब ये काम नहीं करेंगे, आज से ही छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? लेकिन नाइट फेल होता है। कोई बात नहीं, देखो अब यहाँ पर भैया कह रहे हैं कि नाइट फेल होता है, अब समझो पहले मेरी बात को। नाइट फेल हफ्ता में 2-3 बार होता है। 2-3 बार होता है, कोई बात नहीं, वो समस्या भी सुधर जाएगी। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि नई उम्र में हस्त मैथुन, हम नो डाउट हस्त मैथुन करते हैं तो वो उसको मजा समझते हैं। नए नए बच्चे जैसे भैया बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में मजा आता था, मजे के लिए हम करते थे, पर उसके बाद में फिर वो सजा बन गई। अब सजा देख लो यहाँ पर, भैया बता रहे हैं कि धात की इनको समस्या है, मतलब जब भी ये मतलब जो है वॉशरूम जाते हैं तो फिर जो है गाढ़ा गाढ़ा कुछ जो है वो स्पर्म होते हैं वो निकलने लगते हैं पेशाब के जरिए, जब ये थोड़ा जोर लगाते हैं, ऐसा ही ना जी, तो वो निकलने लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि भाई देखो आपने ओवर हस्त मैथुन किया है, हस्त मैथुन की लत गलत है, इस चीज़ को समझो आप। अगर आप डेली 3-3, 4-4, 5-5 बार हस्त मैथुन करोगे तो भाई आप खुद समझो कोई भी ऐसी मसल जिसका आप ओवर यूज करोगे, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स लगा लो, आप डेली बाइसेप्स का वर्कआउट करो, डेली बाइसेप्स का वर्कआउट करो, भाई वो मसल डेवलप नहीं होगी, डैमेज हो जाएगी।
ऐसे ही होता है जब आप डेली हस्तमैथुन कर रहे हो, तो भाई उससे क्या है कि आपकी नसें, नाड़ियां, जो भी वो मसल है वो कमजोर होने लगती है, वो भी दिन में चार चार पांच पांच बार, ज्यादा नाइट फॉल की समस्या। महीने में एक दो बार नाइट फॉल नॉर्मल है, कॉमन है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा नाइट फॉल की समस्या का भी मेन कारण हस्तमैथुन है। पर आपने तो गूगल पे पढ़ लिया कि भैया गूगल पे तो आ रहा है कि हस्तमैथुन करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, हर चीज गूगल सही नहीं बताता, इस चीज को समझें आप। तो इसलिए आप अपनी विवेक से काम लें, और ये पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज अपने बच्चे पर ध्यान रखिए, उसकी संगति पर ध्यान रखिए, उसके मोबाइल पर कंट्रोल रखिए, वो क्या डेटा यूज कर रहा है, इंटरनेट पर क्या देख रहा है, उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए। ध्यान रखो अपने बच्चों का यार, क्योंकि नई जनरेशन में अब ये ऐसे मेरे पास भाई बहुत सारे आते हैं। अभी मैंने जस्ट अभी कोई 10 दिन पहले एक वीडियो डाली है, भाई आए थे इटावा से, उससे पहले एक वीडियो डाली है, और ये भाई तो मैं धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के कि वीडियो बनवा लेते हैं, वरना इतनी कॉल, इतनी मैसेज, इतने सारे भाई आते हैं जो वीडियो बनवाते नहीं है, चाहे कुछ भी रीजन है उसके पीछे, वो दिखाना नहीं चाहते, शर्माते हैं, कुछ भी है। यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की भैया ने वाला, भैया मैं थोड़ा फेस कवर करूंगा, वीडियो बनवा लूंगा। मैंने भाई ये बड़ी बात है कि आप वीडियो बनवा रहे हो, ये भी बड़ी बात है यार। तो इसलिए दोस्तों आप ये गंदी आदत छोड़ो। अब भैया कह रहे हैं भैया कैसे ठीक होंगे, ठीक होंगे भैया, ठीक होना चाहते हो? हाँ, औकात से ज्यादा हम कर लिए थे, अब कंट्रोल है। अच्छा, अब कंट्रोल में है? हाँ, अब कंट्रोल में। और एक बार दो बार होता है महीने में? हाँ जी। तो दोस्तों अब भैया जो है कंट्रोल करेंगे, और कह रहे हैं महीने में एक आध बार, तो मैं कह रहा हूँ भाई स्टार्टिंग में तो मैं कह रहा हूँ इसको भी छोड़ो आप, पर चलो कोई नहीं, क्योंकि लत लगी है पिछले 8-10 साल की, अब वो एकदम से तो जाएगी नहीं, तो धीरे धीरे कंट्रोल करो। धीरे धीरे कंट्रोल करने में ही आपका बेनिफिट है, एकदम से मैं भी नहीं कह रहा कि भाई एकदम से छूटेगी लत, नहीं छूट सकती। अब जहां आप दिन में 4 बार कर रहे हो, वहां आप ऐसा ट्राई करो कि 2 दिन में 1 बार, फिर 3 दिन का टारगेट लो, फिर हफ्ते भर का टारगेट लो, फिर 10 दिन का टारगेट लो, ऐसे धीरे धीरे इसको कम करो। और यहां पर भैया से मैंने बोला है, मैंने कि भैया आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पर आपको धैर्य से काम लेना, और इधर उधर ये दवाई गोली के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं आपको सही सलाह दूंगा, धैर्य से काम लेना है आपको। तो दोस्तों अब कैसे इनका सॉल्यूशन होगा? अब ये भैया कह रहे हैं भैया वजन भी बढ़वाओ, शरीर भरवाओ, और ये समस्या दूर हो जाए उसका भी बताओ। तो यहां पर भैया ने लिया है शरीर भरने के लिए इंडिया का नंबर 1 मास गेनर, स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर का बाल्टा, 8 से 10 किलो वजन बढ़ाएगा। इसके अलावा भैया ने इस समस्या के समाधान में जो इनका हेल्प करेगी वो लिया है टेस्टो पावर। जी हाँ, ये 2 चीज भैया ले रहे हैं, टेस्टो पावर जिसके अंदर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, कौच बीज, जिनसिंग, फेन्यूग्रीक, विटामिन D3, कैल्शियम, जो कि भैया का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएंगे, शरीर में जान लाएंगे, स्पर्म काउंट बढ़ेगा, मतलब इनकी जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके जितनी भी जो समस्या इनको हो गई है हस्तमैथुन के कारण, वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी, और नेचुरल तरीके से ठीक होंगे, क्योंकि नेचुरल है बिल्कुल, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बाल्टा 6 किलो का 8 से 10 किलो वजन बढ़ा देगा, जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि अभी इनका वजन है, कितना वजन है जी अभी? 59 किलो, और 6 फुट कितनी हाइट है? 6'3" या 2" है, 6'2" या 3" हाइट है, तो इनका वजन हो जाएगा 59 से सीधा 69 या 70, 10-12 किलो वजन बढ़ जाएगा, जो वजन बढ़ेगा टिकेगा, जाएगा नहीं। बस भाई ने वादा कर दिया है मुझसे कि हस्तमैथुन ये नहीं करेंगे, और करना भी नहीं, आप भी मत करो। अब भैया कह भी रहे थे मुझसे भैया कि आप मतलब जो है इसको कैसे कंट्रोल करूं, तो मैंने भैया को बोला भैया मैं इनकी सेल्फ कंट्रोल ही, आपकी विल पावर ही इसको कंट्रोल कर सकती है, अपने आप को बिजी रखो, अपना को गोल डिसाइड करो, वीडियोस देखना गंदी गंदी बंद करो, इस तरीके से आप करो, तब जाके कंट्रोल होगा, वरना मैं कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता, मैं आपके कच्छे पे ताला नहीं लगा सकता, आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट आप भी लीजिए, अगर दुबला पतला शरीर है और गंदी आदतें छोड़ो, वरना ऐसा कुछ हाल हो जाएगा फिर आगे चल के, आफ्टर मैरिज फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे उन्हें भी फिर काफी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए पावर मास के 5600 का है, यहाँ पर जो है 1700 रुपए का टेस्टो पावर भैया को मिले हैं ओरिजिनल GST बिल के साथ। तो यहाँ GST बिल और ये टी शर्ट शेकर सप्लीमेंट की तरफ से भाई को गिफ्ट है। अब यहाँ देखे तो नो डाउट भैया ने 800,000 का टैक्स पे किया। जहाँ सेहत का सवाल है पैसा देखना चाहिए नहीं, यहाँ सेहत का सवाल है वहाँ पैसा मत देखो, सीधे चले आओ सप्लीमेंट्स मिला। और दोस्तों अगर बजट नहीं है आपका तो बेशक सप्लीमेंट्स मत लो, पर बजट है तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स और सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। तो आप भी ऑर्डर करो पावर मास गेनर। ऑर्डर करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डायरेक्ट कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ, कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, अपना एड्रेस, नाम, पता, पिन कोड सारी चीज आप दीजिए तो आपके घर तक पहुंच जाएगा, और कैश ऑन डिलीवरी है तो घर पे ही पेमेंट कर सकते हो। पर हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत सारे भाई क्या करते हैं
कि भैया कैश ऑन डिलीवरी है, फुल कैश ऑन डिलीवरी। अब वो क्या करते हैं, ऑर्डर बुक करा देते हैं, ऑर्डर कंफर्मेशन हम करते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ जाके रिसीव नहीं करते हैं। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो यार। सप्लीमेंट्स वाला परिवार है हमारा, उसमें क्या होता है कि आपने तो ऑर्डर कंफर्म कर दिया, ऑर्डर आपने डिस्पैच करा दिया, पर आपने रिसीव नहीं किया तो कोरियर चार्जेस लग जाते हैं यार। तो कोरियर कंपनी का क्यों फायदा करा रहे हो भाई? अगर ऑर्डर आपको नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप बोल दो कि भैया अभी कंफर्म नहीं है, 10 दिन बाद करूंगा, 10 दिन बाद करो, पर जब ऑर्डर कंफर्म हो जाए तभी करो। तो प्लीज़ ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी जहाँ सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट है नज़दीक, वहाँ पर विजिट करो। सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट अब हर शहर में ओपन हो रहे हैं। बाकी अभी आप जो है नज़दीकी आउटलेट कहाँ कहाँ है, ये लिस्ट पूरी आ रही है सप्लीमेंट्स वाला की, आप देखो। सप्लीमेंट्स वाला पलवल हरियाणा, सप्लीमेंट्स वाला गुरुग्राम हरियाणा, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली कालका जी, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली रोहिणी, सप्लीमेंट्स वाला गाजियाबाद, सप्लीमेंट्स वाला मेरठ, सप्लीमेंट्स वाला सहारनपुर, सप्लीमेंट्स वाला लुधियाना, सप्लीमेंट्स वाला अलीगढ़, सप्लीमेंट्स वाला मथुरा, सप्लीमेंट्स वाला आगरा, सप्लीमेंट्स वाला ग्वालियर, सप्लीमेंट्स वाला जयपुर, सप्लीमेंट्स वाला लखनऊ, सप्लीमेंट्स वाला कानपुर, इतने सारे आउटलेट्स हैं। जुड़ो सप्लीमेंट्स वाला से, इधर उधर नहीं जाना, सीधा सप्लीमेंट्स वाला आना है। और जो भी गंदी आदतें हैं उनको छोड़ो आज से ही। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।